हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बाजीराव नरसिंह अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड एक अनोदर ड्रग होती है, आपकी फर्स्ट लाइन एटीटी होती है, यानी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, जो कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ जाकर के और उसको किल करने का काम करती है। पायराजिनामाइड होती है, ये भी आपकी बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरियोसाइडल होगी, यानी जाकर के बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, बैक्टीरियोसाइडल कहलाती है। और मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक जो पायराजिनामाइड है, जितना लंबा नाम है उतना ही इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ये लीवर बेचारे की खैर नहीं है। जब ये ड्रग देते हैं तो जाकर के क्या करती है आपकी एलएफटी, यानी जब भी इस ड्रग को देते हैं तो उससे पहले आपको एलएफटी करवानी होती है। एलएफटी करवाते हैं, और एलएफटी क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये जाकर के क्या करती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, यानी सबसे ज्यादा जो हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी पायराजिनामाइड करती है, सबसे ज्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है। और जब हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक होती है, इसको देने से पहले आपको एलएफटी करवाना होता है। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी जब भी आप पायराजिनामाइड देते हैं। एलएफटी करवानी होती है, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक होती है, यानी सबसे ज्यादा जो एटीटी में सबसे ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक होगी, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक होती है। और इसके अलावा क्या करती है, जाकर के आपके यूरिक एसिड का फॉर्मेशन को बढ़ाती है, यानी कि इंक्रीज द यूरिक एसिड फॉर्मेशन, यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ाती है। और जब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो ब्लड में अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ता है तो उसे हाइपर यूरिसेमिया के नाम से जाना जाएगा। हाइपर यूरिसेमिया करती है, और हाइपर यूरिसेमिया का मतलब होगा हाइपर यूरिसेमिया करेगी। हाइपर हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और यूरी हाइपर यूरिसीमिया, और हाइपर यूरिसीमिया मिया का मतलब होता है ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हाइपर यूरिसीमिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जब जाकर के आपके जॉइंट्स में जाकर के यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जब जॉइंट्स में जाकर के डिपोजिशन हो जाएगा, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है जाकर के आपके जॉइंट में, तो उस कंडीशन को गाउट के नाम से जाना जाता है, यानी गाउट होता है उसमें जाकर के हाइपर यूरिसीमिया होगा। जब ब्लड में बढ़ेगा तब इसको स्टॉप नहीं करते ड्रग में, लेकिन जब जाकर के आपके जॉइंट में इसका डिपोजिशन बढ़ जाता है यूरिक एसिड का, तो स्टॉप द ड्रग, ड्रग को आपको स्टॉप, जब आपका गाउट हो गया तो स्टॉप द ड्रग, स्टॉप करना होता है ड्रग को। जो ड्रग चल रही थी आपकी पायराजिनामाइड, इसको स्टॉप करना होता है जब गाउट हो जाता है, यानी गाउट का मतलब होता है कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। किसमें, आपके जॉइंट्स में, अगर घुटनों में जाकर के या जॉइंट्स में जाकर के कहीं पर भी, अगर मान लीजिए जॉइंट्स में या जोड़ों में आपके अगर डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड का, तो उसे गाउट के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट कॉमन जो जॉइंट, मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड होता है गाउट में, जो मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड होगा गाउट में, सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो इसमें जो ग्रेट टॉय होता है, यानी पैर का जो अंगूठा होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा जाकर के यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, तो ग्रेट टॉय में सबसे ज्यादा डिपोजिशन देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो ग्रेट टॉय में देखने को मिलेगा यूरिक एसिड का डिपोजिशन। तो इसके बाद में देखते हैं कि, अब देख लेते हैं कि जो गाउट होता है, गाउट की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसके बाद बात करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन गाउट, गाउट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसका नाम क्या होता है, तो कोल्चिसिन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, यानी कि इसके ड्रग ऑफ चॉइस में ट्रीटमेंट में यूज करते हैं कोल्चिसिन को। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की बात आ जाए कि गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, तो ड्रग ऑफ चॉइस का नाम होता है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल के नाम से जाना जाता है, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन गाउट, अगर गाउट के नाम से क्वेश्चन आता है कि गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एलोप्यूरिनोल आपको आंसर देना है। पूछा जाता है कि क्रोनिक गाउट की कौन सी, तो ये आपको गाउट कह दे, या गाउट के गाउट ना लिख करके वो पूछ लेता है कि क्रोनिक
क्रॉनिक गाउट और क्रॉनिक गाउट की भी पूछता है तो भी ड्रग ऑफ चॉइस एलोपुरिनोल लिखना है। लेकिन अगर बाद में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अक्यूट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस, तो अक्यूट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो एलोपुरिनोल नहीं होगी। एलोपुरिनोल ना होकर के इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है अक्यूट गाउट की वो इंडोमेथासिन और इंडोमेथासिन होती है, एनएसएआईडी होती है। इंडोमेथासिन है ये आपकी क्या होती है, इंडोमेथासिन अक्यूट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस है। इंडोमेथासिन क्रॉनिक गाउट की पूछे या क्वेश्चन में डायरेक्टली गाउट देकर पूछे तो एलोपुरिनोल आपको आंसर देना है। लेकिन बात अब एलोपुरिनोल क्या होती है, जो जैंथिन इनिबिटर होती है, जो जैंथिन होता है वो इनिबिटर होती है, जैंथिन इनिबिटर है, जबकि आपका इंडोमेथासिन होती है और इंडोमेथासिन एनएसएआईडी होती है। तो पाइराजिनामाइड जाकर के ये इफेक्ट दर्शाती है, ये इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट होता है इसका, बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरियोसाइडल होगी, एलएफटी करवाते हैं इसको देने से पहले, सबसे ज्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है और यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ा देती है और गाउट में उसका डिपोजिशन कर देती है, टॉइस में या जाकर के आपके जॉइंट्स में, तो उसे गाउट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन जो जॉइंट अफेक्टेड होता है गाउट में वो आपका ग्रेट टॉय होगा। ड्रग ऑफ चॉइस की बात आती है, गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस क्रॉनिक गाउट हो या गाउट पूछा जाए तो एलोपुरिनोल होगा, जबकि अक्यूट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस होती है इंडोमेथासिन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरीके की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।